आज क्लास में सब बच्चों ने अपने हीरोज के बारे में बताया। मैंने भी अपने नेशनल हीरो के बारे में बताया। लोग उन्हें प्यार से बूमबूम और लाला कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें हीरो कहता हूँ। मेरा हीरो सिर्फ क्रिकेट की वजह से थोड़ी, मेरा हीरो लोगों की भलाई के लिए भी हमेशा परफॉर्म करता है। आपको देखनी है मेरे हीरो की परफॉर्मेंस, तो चलें। पहाड़ जहाँ जिंदगी खूब जोरों शोर से चल रही है, लेकिन इस शहर के करीबी गांव में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था एक अच्छा हॉस्पिटल। लोगों को किसी मामूली इलाज के लिए भी पोहार शहर जाना पड़ता था, इसलिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने तंगी बांडा में एक हॉस्पिटल बनाया जहाँ इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और अब रोजाना 100 से ज्यादा मरीज अपना बासानी इलाज करवाने आते हैं, जिनमें 70 से 80% आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं। पहाड़ से कुछ दूर मौजूद है खैबर एजेंसी की वादी तीरा, खूबसूरती में जिसकी कोई मिसाल नहीं, और अल्लाह ताला की तमाम नियामतें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ लोगों का बड़ा मसला पानी का हुसूल था। औरतें और बच्चे मुश्किल सफर तय करके अपने लिए पहाड़ों से पानी भर के लाते थे। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन वो पहला इदारा है जिसने इस मुश्किल की तरफ तवज्जो दी और वादिये तीरा में वाटर स्टोरेज टैंक्स बनवाने के साथ तकरीबन 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई, जिसकी वजह से चश्मों का पानी लोग आसानी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद 300 टैंक्स पर काम चल रहा है ताकि लोगों को बुनियादी जरूरतें फराम हो सके। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने वादिये तीरा के IDPs को भी तन्हा नहीं छोड़ा और उनके लिए टेंट्स और राशन का इंतजाम किया। इसी तरह सिंध के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने का साफ पानी ही मयसर नहीं था। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने सिंध के उन पसमानदा इलाकों में 100 से ज्यादा हैंडपंप्स लगवाए, जिसकी वजह से अब लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, जहाँ की सकाफत है इस शहर की पहचान। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन SAF स्कूल की बुनियाद इसी तारीखी शहर में रखी, जहां वो जरूरतमंद बच्चे जिनकी तालीम का सिलसिला किसी न किसी वजह से टूट गया था, अब इस स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सब की तालीम का जिम्मा मेरे हीरो ने ही उठाया और मजीद बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की कोशिश जारी है। इंसानी खिदमत का ये कारवां खैबर से कराची तक फैल चुका है। जी हाँ, कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मौशी हब में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की खिदमत कोने कोने तक फैली हुई है। चाहे वो जामिया कराची के मास कॉम डिपार्टमेंट की रेनोवेशन हो या फराबी स्कूल में तामीर किया गया स्पोर्ट्स ग्राउंड, खाना घर जैसी तंजीमों को मुफ्त खाना फराहम करना हो या बाकी फलाही इदारों के साथ मिलकर लोगों की खिदमत, मकसद सिर्फ एक ही है कि जिस तरह मुमकिन हो इंसानी खिदमत के इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखा जाए। जब ही शाहिद आफरीदी फाउंडेशन लोगों से उनके मसाइल और उनके हल के लिए अपनी पूरी कुव्वत के साथ दिन और रात कोशिशों में मसरूफ है। तो कैसी लगी मेरे हीरो की परफॉर्मेंस? कर दिया ना एकदम हैरान, जैसे एशिया कप के फाइनल में गया था।
हाँ चैंपियन, बता दिया सब कुछ। इंसानियत के इस मैच में भी मुझे आपके उसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो आए सपोर्ट करें शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को और मेरे साथ मिलकर इस नेक काम में पाकिस्तान की खिदमत करें, ताकि इंसानियत का होप रहे हमेशा। नो डाउट।